हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्या आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म करना चाहते हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं तो कब तक वो बात कर सकेंगे, कब तक आप दोनों का एक दूसरे के साथ रीयूनियन होगा, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में। ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको बिल्कुल पॉजिटिव होना है और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, उनका नाम लेना है और उनके बारे में एकदम पॉजिटिव सोचना है और उनको इमेजिन करना है। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, एंजल्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर उनके साथ कब तक बातचीत कर सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, कब तक रीयूनियन हो सकता है, प्लीज़ हमें बताएं। हाई प्रिस्टेस, ओके, एट ऑफ वॉन्ट्स, वाह, टू ऑफ वॉन्ट्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर आपके एनर्जीज में काफ़ी अच्छे और बड़े बदलाव आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, इसलिए आपके रिश्ते की एनर्जीज भी चेंज हो रही हैं। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर आपको 777 ज़्यादा दिख रहे होंगे, ओके, और 888 ज़्यादा दिख रहे होंगे, 2222 और 222, टू ऑफ सोर्स, यस, ओके। किंग ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ सोर्स, ओके, काफ़ी कलरफुल लग रही है ना डेक, ओके। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स एंड स्ट्रेंथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स। आज की मेरी ज़्यादातर रीडिंग्स में एट ऑफ वॉन्ड्स कॉल मैसेज रिसीव करने के लिए और फोर ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन एंड मैरिज, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जितनी भी रीडिंग्स जो भी लोग देखेंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है उन सबके उनके पार्टनर से शादी होने वाली है। और मैं तो सोच रही हूँ, मतलब मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि जो लोग रीडिंग नहीं देखते ना, हम सबको उनके लिए भी प्रे करना चाहिए कि उनके पार्टनर से उनका रीयूनियन हो जाए और नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए उनके रिश्ते की। हाँ, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको गहरी सांस लेनी है और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ऊपर वाले करें जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं वो सभी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से आ जाएँ। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, आपकी पॉजिटिविटी, आपका प्यार, आपका इंतज़ार, इस सब चीज़ों का रिज़ल्ट ऊपर वाला बहुत जल्दी देने वाला है और आपके पार्टनर आने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे तो आपके पास ऑफर भी देंगे, साथ में आपको सक्सेस भी मिलने वाली है लव लाइफ में भी, करियर में भी, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है या तो उनकी किसी फीमेल फ्रेंड का कॉल मैसेज आएगा या उनकी सिस्टर का आपके पास, और वो उनके बारे में आपसे बात करेंगी। कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आने में आपके पास में, ठीक है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर का कॉल मैसेज तो रिसीव होगा ही आपको, साथ में आप दोनों के बीच में इस रिश्ते की नई शुरुआत करने के बारे में बात होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जो ये बात होगी आप दोनों के बीच में, अब ये बात होगी आप दोनों की इंगेजमेंट की। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर की आपके घर में किसी की इंगेजमेंट या कुछ फंक्शन होगा, आप दोनों सेलिब्रेट करेंगे। जो सिंगल्स हैं ना, उनके लिए जो ये पर्सन बात करेगा, आप दोनों के बीच में बात स्टार्ट होगी, तो इस शायद आपकी ये सोचो कि आप ये कहेंगे कि अब मुझे नहीं पता है, मैं इस रिश्ते को ऐसे नहीं चला सकता, ये ऐसे नहीं चला सकती, तुम्हें अब इस रिश्ते को शादी तक लेकर जाना है तो ही मैं बात करूँगा या बात करूँगी। आपके पार्टनर के भी यही थॉट्स, यही फीलिंग्स हैं कि वो अब आपको एक रिश्ते में अपने साथ बांधना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ट से तो कभी भी कॉल मैसेज आ सकता है और आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना है कि वो किस तरीके से बात करेंगे और आपको किस तरह से जवाब देना है। एकदम रूड नहीं होना है और एकदम बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं दिखाना है। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे इंगेजमेंट तो करेंगे, साथ में आपको बहुत प्यार देने वाले हैं। उन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं आपको छोड़कर जाने की, वो सारी चीज़ें एक तरफ होंगी और उनका प्यार एक तरफ होगा। इतना प्यार होने वाला है क्योंकि उन्होंने जब आपसे दूरियाँ होंगी तब आपको उन्हें आपकी कदर महसूस होगी और उन्हें ऐसा लगा है कि
मैंने किसी और पर्सन के खातिर या बहुत सारे लोगों के खातिर मैंने एक इस ऐसे पर्सन को छोड़ दिया जो सिर्फ मेरा था, मेरे लिए वेट कर रहा है वो पर्सन अभी भी। इस चीज़ का आपके पार्टनर को एहसास हो गया और मुझे लग रहा है उनके किसी नज़दीकी ने उन्हें ये एहसास दिलाया है कि आपके पार्टनर को आपके पास आना चाहिए और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया है। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, कुछ या तो वो घमंड में होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास अच्छा चेहरा है, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ या बहुत अच्छी दिखती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि सच में प्यार करने वाला इंसान काफ़ी मुश्किलों के बाद मिलता है। वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें कोई भी प्यार करने वाला इंसान मिलता है और उनकी गलती माफ़ करने के बाद में उन्हें एक्सेप्ट करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। और आप उन्हें बहुत मुश्किल से मिले हैं, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा लकी हैं। उनको गॉड का थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने इतना प्यारा पर्सन आप उनकी लाइफ में दिया। ओके, एस ऑफ कप्स। अब आपके पार्टनर क्या है, आपको पाने के लिए, आपको इस रिश्ते में वापस लेकर आने के लिए पूरी कोशिश कर देंगे। इवन उनको ये फील होगा कि वो आपसे, आप उनसे दूर हो गए हो या आप नाराज़ हो, तो वो पूरी तरह से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते में आपको वापस लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। एक आपको या आपके पार्टनर को रेड कलर बहुत पसंद हो सकता है या फिर पर्पल। इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी फैली हुई थी ना, अचानक से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और एनर्जी आ जाएगी। आपकी आपकी लाइफ ऐसी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा आप अपनी बस डेली रूटीन लाइफ में बस जाते हैं आते हैं ऑफिस या घर का काम कर लेती हैं आप या स्टडी कर लिया, तो बहुत एक ना स्पार्क, एक चमक आने वाली है, एक रोशनी आने वाली है इस रिश्ते में। नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी जो भी है ना, मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है। ख़ासतौर से इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है वो मुझे ख़त्म होते हुए यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ये सेवन ऑफ वांड्स जो दिखाते हैं आपके पार्टनर के पास, जो बहुत सारी चॉइसेस थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा घमंड था, वो सब ख़त्म हो चुके हैं आपके पार्टनर की लाइफ से। अब आपके पार्टनर ने आपको चूज़ किया है। जिन लोगों को ये लगता था कि पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे चूज़ करेगा या नहीं, वो इतना फ्लर्टी है या वो मुझसे इतना दूर चला गया है या चली गई है, हमारी शादी में इतनी ज़्यादा दूरियाँ आ चुकी हैं, तो आप वो चीज़ सारी चीज़ें भूल जाइए, क्योंकि वो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी बिल्कुल पॉजिटिव होकर। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे वो, हमेशा दो लोगों में, दो ही सिचुएशन में वो थे। मान लीजिए एक तरफ उनकी फैमिली और एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी और एक तरफ आप हैं, लेकिन वो एक तरफ आपको रखना भी चाहते थे, लेकिन शायद आपने इस रिश्ते में रहने से मना कर दिया होगी, भाई अगर उसको रखना है या थर्ड पार्टी रहेगी तो मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकते, या फिर तुम्हें अगर माननी है तो अपने घर वालों की ही बात मान लो, कुछ इस तरीके की भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर क्या है, फैमिली को तो मना ही लेंगे, किंग ऑफ कॉइन्स, आपको ऑफर देंगे, ऑफर इसलिए देंगे क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनका दिल तोड़ दिया है। थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से आपके पार्टनर को अलग कर दिया है अपनी ज़िंदगी से। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बुरी तरह या तो फाइट्स हुई हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और इसमें आपके पार्टनर को बहुत कुछ सुनाया गया है। अब ये इसको किसी भी चीज़ के ऊपर ले सकते हैं कि आपके पार्टनर को कर्माज मिले हैं उनके, या वो ये चाहते थे कि आपके पास वापस आ जाएं इसलिए सॉरी करके आपको वापस लेकर जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। हम ओरेकल डेक से भी देखते हैं। डोर टू वैल्यू, आपके पार्टनर को गाइस आपकी वैल्यू बहुत जल्दी समझ में आएगी, या तो आ गई है या तो आने वाली है। ये कार्ड आना चाहता है शायद। थर्ड चक्र आर्कएंजल चामुल, आपके पार्टनर का थर्ड चक्र ओपन हो रहा है। एंजल ऑफ लव, एंजल्स आपके लव लाइफ में आपके लिए प्यार लेकर आने वाले हैं वापस। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आ गई है गाइस, और एंजल्स साथ में ये कार्ड आता है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंजल्स ना आपके प्यार को संभाले हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए हैं हमेशा। ओके, कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि कोई है आपके आसपास जो आपको हेल्प कर रहा है या आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, हीलर ऑफ द एजेस, या तो आप हीलर हो सकते हैं, ठीक है, और आप एक पॉजिटिव पर्सन हो सकते हैं, बस अपने रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं, हाँ, या फिर आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं, कॉर्नो को भी। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते में नई शुरुआत, एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी, एक स्पार्क तो चाहते ही हैं आपके पार्टनर, हाँ। अब आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए आपके पार्टनर ने अपना दिल आपको ही देना चाहते हैं। आपके पार्टनर रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर, मुझे लग रहा है आपके लिए कोई डेट प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर। आप दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने जब आएंगे ना, तो आपको उनकी आंखों से पता चल जाएगा कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ गया हुआ है।
आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के दिल में। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की इंगेजमेंट जल्दी होने वाली है। जो मैरिड हैं ऑब्वियस है वो दोनों वापस साथ रहने लगेंगे, या फिर आपकी एनिवर्सरी होगी तो आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ में। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर जो है ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग आपके पार्टनर के दिल दिमाग में, देखिए यहाँ पर भी टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी थी। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में ना तूफान मचा हुआ है, कुछ तो उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, थर्ड पार्टी ने उनका ईगो हर्ट किया है, शायद थर्ड पार्टी ने उनको बहुत बुरा भला कहा है, बहुत बुरी तरह से उनका दिल तोड़ा है और उनको बहुत सुनाया भी है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ना आपके वैल्यू पता चली है, यहाँ पर सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके आपको लेकर पॉजिटिव हैं। यहाँ पर एंजल्स की खास ब्लेसिंग्स लग रही हैं मुझे आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, और आपको सिर्फ अच्छा ही सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं होना। मैं हमेशा आपको यही समझाती हूँ, ठीक है गाइस। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी विशेज़ जो भी हैं मदर यूनिवर्स में भेजने के लिए, क्योंकि पढ़कर एक दूसरे के लिए आप लोग प्रे ज़रूर करते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं और तसल्ली देते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। हमेशा खुश रहिए और हमेशा आगे बढ़िए, ऊपर वाला अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर बनाकर रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।